हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, अभी तक आप लोग निखिल को देखने के लिए तरस रहे होंगे, तो निखिल जरा आप आइए कैमरे के सामने, मंच के सामने प्रस्तुत होइए। ये देखिए निखिल जंगली आदि मानव को, जो कि क्या खा रहे हो निखिल आप? दोस्तों शहद, निखिल उन शहद खा रहे हैं। निखिल आपको शहद कैसा लगता है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। निखिल जरा खाकर बताइए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए और देखिए। निखिल आपको शहद खाना कैसा लगता है? निखिल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगता है। दोस्तों निखिल उन सुबह से आए थे, तब बस उनकी नज़र वो ही शहद की छत्ते पर जा रही थी कि हम शहद कब खाएंगे, शहद कब खाएंगे। सो घर में कुछ गेहूँ काटने वाले आए थे, तो निखिल ने उनसे कहा कि मेरे लिए शहद दे दीजिए, तो फिर मैं शहद खाऊंगा। और उनको शहद, निखिल ये देखिए दोस्तों इसमें कितना रस भरा हुआ है। निखिल चूस कर बताओ जरा रस। तो कैसे खा रहा है? ओ, हाँ निखिल मक्की देख कर खाना है इसमें। निखिल नहीं नहीं मोड़ रही है निखिल मक्की। दोस्तों अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे एक्टिवा वाली बहू, तो वंदना यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब की टाइप की ड्रेस पहने आई थी, तो हमने वंदना को अच्छी साड़ी पहनने के लिए पहुँचा दिया। मम्मी जी एक और प्लेट ले आई, इसमें और शहद भरा हुआ है। ये देखिए निखिल के लिए और शहद। पहले निकल को मम्मी वो वाला खा लेने दो, फिर आप ये वाला देना। भगवान वो खाए नहीं, बदगंध लग। कितना अच्छा लग रहा है निकल। निकल आप इसको कितने स्टार दोगे? 5 में से 6। हाँ निकल अच्छे से पूरी तरीके से कैसे चाट चाट के खाना। अभी बैठ गई थी यार। चुप रहो निकल बिट्टू, उधर चले जाओ, यहाँ पे धूप में वो क्या कहते हैं निकल, मक्खी आ जाएंगी तुमसे, मक्खी खिल जाएगी। छाव में चले जाओ, जाओ छाव में बैठ के खा लो, ठीक है? हाँ So, ये हम एक्टिवा वाली बहू बना रहे थे यहाँ पे, तो आज तक नहीं खाई जो देखने। सो दोस्तों फिलहाल मैंने पहन रखी है साड़ी। यार साड़ी पहनना बहुत ही आफत वाला काम होता है, क्योंकि साड़ी पता नहीं लेडीज लोग कैसे पहन लेते हैं यार। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनको तो पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी लोग शहद खाने में लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आ गई और मैं उनका वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो लोग आ जाते हैं फिर हम लोग रोल लेना चालू करेंगे। तो ये शहद हमारे घर के पीछे एक फूल का पेड़ था, उसी में लग रहा था ये शहद। तो निखिल तो आपको पता ही है दोस्तों, निखिल को फ्रूट व्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब है पर कम है, लेकिन उसको ये ऐसी ऊटपटांग चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता यार शहद, वो क्या मधुमक्खी क्या 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 निकाल निकाल के शहद बनाती हैं। तो पता नहीं, मेरा तो मन ही नहीं होता है खाने का। ये दोस्तों देखिए निखिल उन आ गए, थोड़े से काले दिख रहे हैं निखिल। हाँ बैठ जाओ। हाँ निखिल देखिए, निखिल उनका कटोरा भर रहा है शहद से। निखिल कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। हाँ निखिल आप मुंह धुल लेना अच्छी तरीके से, आपको मुंह बहुत तेज लपट चुका है, ठीक है शहद खाने के बाद। मुझे बता दो। ये देखिए दोस्तों शहद ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़े मरे डले हैं। हाँ नहीं बैठी बैठी क्या कर रही है? मुझे ना तुझे कुछ दिखाना है। अरे मम्मी क्या दिखाना है? अरे पहले तू चल, मुझे कुछ दिखाना है। पर एक मिनट, सबसे पहले मैं ना तेरी आंखों पे पट्टी बांधूंगी। अरे मम्मी ये पट्टी किस लिए? वो तो बाद में पता चलेगा खोलने के बाद। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तभी तो बांध देगी कुछ। देखिए ना फांसी आ रही दीदी उन्हें। बंद रहे। मम्मी मुझे कहाँ ले जा रही हो आप? उठो चलो बेटा, कुछ दिखाना है तेरे को। माइक लेके, ये माइक उल्टा है ना, देख लेने दे मुझे। उल्टा है का ऐसा है ऐसा। रेडी अड़ जाओ, सब अड़ जाओ आगे से। रेडी। अरे मम्मी मुझे कहाँ ले जा रही हो? अरे चल तो सही, पहले मुझे कुछ दिखाना है। यो लड़ी जोड़ी जोड़ी। अरे मम्मी मुझे कहाँ ले जा रही हो? बस बस अपनी पहुँच गई, अब अपनी पट्टी खोलो, आंखों की देखो। अरे मम्मी ये एक्टिवा कहाँ से आई? ये एक्टिवा मैं लेकर आई हूँ तेरे लिए, गिफ्ट है ये मेरे लिए मम्मी। हाँ, सच में चाबी। ओ वाओ मम्मी, थैंक यू सो मच मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, आपने मेरी वर्ल्ड की सबसे अच्छी मम्मी हो, जो मेरी बात बिना कहे ही समझ जाती हो। मेरी सारी सहेलियों के पास एक्टिवा थी, बस मेरे ही पास नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि अपना तुझे दिलाना चाहिए। मम्मी अब मैं इसको ससुराल लेकर जाऊंगा एक्टिवा को। जहाँ ले जा, दिल्ली बम्बई ले जा, सब तेरी है। थैंक यू मम्मी, अब मैं जल्दी से अपने ससुराल लेकर जाती हूँ ये लिए। मम्मी मैं चलती हूँ, ठीक है बाय मम्मी। और संभाल के चलाना इसको, ठीक है मम्मी जी बाय। माइक उठा लेना मम्मी जी, एक मिनट पहले। रेडी। हेलो फ्रेंड्स,
ये देखिए समलल खींचने ये काम वाले आए हैं दीदी उनके घर के पास घर में घर के पास हट जा देखो फ्रेंड्स ये रहे बेटी चलो कौन का दोनों का लेना है मेरा क्या भाई साहब हाय हाउ आर यू हाय फ्रेंड यहाँ मजदूर है यहाँ सोनम दीदी है यहाँ मैं देखिए फ्रेंड्स ये आलू निकल रहे हैं खेत में से भैया हाँ सब बढ़िया ले लिया आराम से हाँ ठीक कर रहा है लल्लू भैया आलू खोद रहे हो खोद दियो हेलो फ्रेंड्स ये देखियो यहाँ रहिए यहाँ पर आलू खोद रहे हैं आलू तो निकले नहीं रहे देखो फ्रेंड्स कितनी दूर तक आलू खोद रहे हैं ट्रैक्टर से खोद रहे हैं चलो बिनो भैया पर अभी नहीं आ पाएगी कुछ दिन बाद आ पाएगी हेलो फ्रेंड्स देखिए ये गाड़ी लेकर खड़े हैं हेलो बाय बाय डायरेक्ट ही बाय अरे मम्मी जी ये आप किस सोच की बात कर रही हैं ये मेरी माँ ने मुझे बहुत हमारे घर में बहू गाड़ी नहीं चलाती हमारे घर में तो बहू सिर्फ घर के काम करती है खाना बनाती है कपड़े धोती है घर के सारे काम करती है सोवा देता है ये काम नहीं करना देता सोवा बिल्कुल समझी ना मना नहीं करना डायरेक्ट कहना है ठीक है अभी मैं चला जा घर के काम करता लेकिन इतने सारे काम ले मम्मी जी ये मुझे मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से दी है ठीक है चल जा घर के काम कर चल रहने गाड़ी वाड़ी मत चला चल पहले घर के काम कर सारे जा यहाँ से जा गाड़ी भी ये तो ले जा पड़ी क्या चल घर के काम कर सारे से जा अच्छे से जा बड़ी आई गाड़ी चलाने वाली गाड़ी चलाई ये इसकी माँ ने दी है चला चलाने तो इसको काम करेगी वो तो घर में गाड़ी चलाएगी वो मैं नहीं चलाने दे दूँ अरे बेटी आ गई क्या हुआ अरे माँ वो मेरी सास ने मुझे खरी खोटी सुनाई क्या तुमने खरी खोटी सुनाई हाँ अरे बेटा तू चिंता मत कर तेरी माँ जिंदा है ना अभी मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी हाँ मत जाना बेटा मैं तेरे ससुराल वालों की नाक न रगड़वा दूँ तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं समझी ना तुम चिंता मत करो बेटा ठीक है ना और भड़काओ बेटी कि तेरी ससुराल वालों की नाक ना रगड़वा दूँ कह दी मेरी बेटी पे अत्याचार करते हैं मेरी माँ को भूल देती बच्ची पे हाँ मेरी बेटी पर वो अत्याचार करेंगे मेरी लाखों में एक बेटी है मेरी करोड़ों में एक बेटी वो अत्याचार करेंगे मैं देख लूंगी सबको देख लूंगी एक एक करके सबको देख लूंगी सबकी नाक न रहे मुझे रोज के रोज खरी खोटी सुनाती रहती है मेरी और तुम सुनती रहती हो बेटा तुम क्यों नहीं कुछ कहती हैं तुम भी मत सुना करो किसी की और मैं हूँ ना मैं देख लूंगी सबको एक दिन सबकी नाक न रगड़वा दी ना मेरा नाम भी गायत्री देवी नहीं बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो ठीक है ना अच्छा हुआ तुम आ गई तो हाँ बेटा चिंता मत करो रो मत है अरे बेटा क्या हुआ क्यों रो रही हो अरे वो माँ मेरी सास ने मुझे करी कोटी सुनाई क्यों तूने उससे कुछ नहीं कहा तूने क्यों नहीं सुनाया उसको मैं तो उस वो बोल रही थी चली जा अपने मायके में आ गई अब तू चिंता मत कर बेटा सो दोस्तों ये देखिए अंजला
ओके दोबारा।